बात तो सुन, तू इतनी अपसेट क्यों लग रही है? अपसेट नहीं तो मुझे क्या होगा, मैं ठीक हूँ। झूठ मत बोली, मैं जानती हूँ कि तू अपसेट है। तो इसलिए अपसेट है ना कि तू मेरे संगीत में डांस नहीं कर पाएगी। गलती ना इस पे तेरी है, कब से मैं बोल रही थी कि जीजू को जाके प्रपोज कर ले, लेकिन तू तो प्रेग्नेंट ही होगी जब मेरी शादी होने वाली है। ऐसे ही अपसेट रहेगी दी तू? ठीक है तो मैं उनको जाकर बोल देती हूँ कि मेरी जो शादी है ना वो बाद में करे, जब बेबी डिलीवर हो जाएगा ना तब करे, ठीक है? अरे बुलबुल रुक, तो तू पागल हो गई है क्या? मैं उदास क्यों होंगी? और तुझे किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। मैं समझती हूँ ना कि ऐसी हालत में मुझे डांस वगैरह नहीं करना चाहिए, तो मैं अपनी तबीयत खुद खराब करके दादी का मूड क्यों खराब करूंगी? और मुझे वैसे भी डांस वांस का शौक ही कहाँ है। मैं जानती हूँ तू अपसेट है, जब मैंने अनाउंस किया तो तू कितनी खुश थी दी, और जैसे ही दादी ने मना कर दिया तो बहुत नर्वस और बहुत ही अपसेट हो गई है ना, यही रीजन है ना? मैं जानती हूँ, लेकिन देख तू टेंशन मत ले। नकली जिंदगी में असली खुशी ढूंढने में कितनी तकलीफ होती है। असली नकली जिंदगी मतलब? तू नहीं समझेगी, फिलॉसफी है। तो फिर ये फिलॉसफी का डांस से क्या कनेक्शन है? अरे बुद्धू, जरूरी थोड़ी कि हर बात का हर बात से कनेक्शन। और तू मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ। और क्या हुआ अगर मैं तेरे संगीत में डांस नहीं कर सकती? तो मैं डांस की तैयारी में, उसकी प्लानिंग में तो हेल्प कर सकती हूँ ना सबकी। तेरी खुशी में खुश हो सकती हूँ, और अगर उस खुशी में ज्यादा खुश होगी तो डांस भी कर लूंगी। That's like my dear. Thank you so much. तनु इस तरह खींच कर लाने की क्या जरूरत है? बाहर भी तो बात कर सकते हैं। क्या करें, यहाँ तो पूरे घर में जासूस घूमते रहते हैं, दीवारों के भी कान होते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या बात करनी चाहिए, इसलिए रूम में बात करना सबसे सेफ होता है। हाँ लेकिन ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें अभी करनी है? प्रज्ञा मेरे पास एक प्लान है। कौन सा प्लान? कल तुम्हारी बहन का संगीत है और दादी नहीं चाहती कि तुम उसमें डांस करो। हाँ तो तुम्हारी सगी बहन का संगीत है, और अगर तुम उसमें डांस नहीं करोगे तो और कौन करेगा? लेकिन मैं डांस कैसे कर सकती हूँ तनु, दादी को बुरा लगेगा। एग्जैक्टली, बैठो। अगर तुम डांस करोगी तो दादी सोचेंगी कि मेरे मना करने के बाद भी प्रज्ञा ने डांस किया, और तुम्हारा इस घर से जाना और भी आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाट वी वांट। हमें कुछ अलग से प्लान करने की कोई जरूरत भी नहीं है, और दादी को परेशान करने की भी। तुम्हारी बहन का संगीत है, तुम खुश हो, डांस कर रही हो, और दादी को बुरा भी लग जाएगा। क्या हुआ प्रज्ञा, क्या सोच रही हो? तुम भी तो यही चाहती थी ना प्रज्ञा, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे इस घर में अपनी जगह देके जाओगी। मेरा इरादा नहीं बदला। शायद तुम ठीक कह रही हो, ये बहुत अच्छा मौका है और इसे हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो ठीक है, कल एक बहन के संगीत में उसकी बहन जरूर डांस करे। मुझे क्रिकेटर समझ कर रखा है, जो तुम चीजें आवा फेंकती रहोगी और मैं पीछे से कैच करता रहूंगा। मैंने आपसे नहीं कहा कैच करने के लिए। हैं? किसने कहा का क्या मतलब है? हाँ? ये मेरा कमरा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह चीजें फेंकती रहोगी और मैं देखता रहूंगा? मैं इस घर को गंदा होने नहीं दूंगा, नो चांस। इस चक्कर में अपने कपड़े गंदे कर दे। हाँ, घर को गंदा करने से अच्छा है कि मैं अपने कपड़े गंदा करूँ। क्यों जो करना है कीजिए। आज ये मुझसे झगड़ा क्यों नहीं कर रही? कुछ तो गड़बड़ है। अरे तुम्हें किसी मक्खी ने काट लिया क्या? मक्खी? हाँ, अरे मुंह ऐसे फुला कर बैठी हो, जरूर किसी मधुमक्खी ने काटा होगा, इसलिए। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? देखो अगर मैं जानता हूं तुम मुझे अपना दोस्त नहीं मानती, लेकिन दोस्त के नाते ना सही, एक अजनबी के नाते तो बता सकती हो ना। टेल मी व्हाट्स ट्रबलिंग यू, बताओ मुझे, कम ऑन। कुछ नहीं, बस तंग आ गई हूँ ऐसी जिंदगी जीते जीते।
हर वक्त एक मुखौटा पहने रखना पड़ता है, हर किसी से झूठ बोलना पड़ता है। प्रेग्नेंट हूँ नहीं, लेकिन हर किसी के सामने प्रिटेंड करना पड़ता है। सिर्फ आपके सामने ही सच्ची रहती हूँ, बाकी सबके सामने फेक बनना पड़ता है। यहाँ तक कि अपने परिवार से भी झूठ बोलना पड़ता है। कभी कभी तो याद ही नहीं रहता कि किससे सच बोलना है किससे झूठ। डर लगता है कि कहीं कोई गलती ना कर दूं। पहले मैं झूठ बोलने के बारे में सोचने से भी कतराती थी, अब झूठ बोलना मेरी आदत बन गई है। सच झूठ के खेल में मैं अपना असली चेहरा ही भूल गई। दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियों को खो चुकी। और तो और, कल मेरी बहन का संगीत है और देखिए मुझे, मैं खुश नजर आ रही हूँ आपको। मैं खुशी मना ही नहीं सकती क्योंकि सबको लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ। इसलिए ये करो वो नहीं, ये बोलो वो नहीं, मैं थक गई हूँ। I'm fed up of it. Sorry. मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम्हें ये सब करना पड़े, क्योंकि मैं जानता हूं तुम कैसी हो। और तुम्हें ये सब करते हुए देख कर ना तुमसे ज्यादा बुरा मुझे लग रहा है। जब भी मैं अकेला होता हूं मैं यही सोचता हूं कि तुम्हें इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकालूं। लेकिन जब भी कुछ करने जाता हूं तब दादी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पाता। तुम्हारी तरह मैं भी अपनी फैमिली को बेवकूफ बना रहा हूं, उनकी इमोशंस के साथ खेल रहा हूं। मैंने तुम्हारी जिंदगी भी खराब की है, और तनु उसके साथ क्या करना है मैंने अभी तक नहीं सोचा। पता है एक वक्त होता था जब मैं मिरर में अपने आप को देखकर कहता था कि अभी यू द बेस्ट। लेकिन अब जब भी मैं मिरर में अपने आप को देखता हूं ना, तो मुंह से एक ही चीज निकलती, कहने के लिए तो पूरी दुनिया को खुशियां बांटता हूं मैं, लेकिन मेरी फैमिली का क्या? मैं उन्हें उनकी कोई असली खुशी नहीं दे पाया, कुछ नहीं दे पाया मैं अपनी फैमिली को। I'm bloody useless, I'm good for nothing, मैं कुछ। तुम पे मिटी, तुमसे बनी, तुमसे हुआ है हाँ खुद पे यकीन। क्या कर रहे हैं आप? तुम्हारे माथे का सिंदूर हट गया है, मैं लगा लेता हूं। मैं खुद लगा लूंगी, वैसे भी कुछ दिनों में इस पर किसी और का होगा। मुझे नहीं पता कि कुछ दिनों में क्या होगा, और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि आज हम दोनों एक साथ हैं, आज तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए ये हक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा।
ये घर की डेकोरेशन सारे नौकर ही क्यों कर रहे? बाकी फैमिली मेंबर्स कहाँ हैं? कमाल है, पहली बार ऐसा हुआ है कि घर में कोई फंक्शन है और घर का कोई मेंबर डेकोरेशन नहीं करवा रहा। आखिर सब है कहाँ? रॉबिन, यस मैम, तुम ये डेकोरेशन ऐसे खुद कर रहे हो, किसने कहा तुमसे? मैम अभी सर और दादी ने। कहाँ है वो लोग? पता नहीं। पता नहीं मतलब उन्होंने तुम्हें ऑर्डर्स दिए और तुम्हें नहीं पता वो कहाँ है? मैम ऑर्डर तो उन्होंने शाम को ही दे दिया था कि सुबह उठ के घर की डेकोरेशन स्टार्ट कर लेना, और उसके बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। ठीक है, जाकर दादी से पूछती हूँ। सुबह सुबह तूने क्यों मुझे नींद से जगा दिया? सुबह सुबह दादी 9 बज रहे हैं। 9 बजे? तो अभी 2 घंटे और सो सकते हैं। 2 घंटे? आपकी तबीयत ठीक है ना? क्या हुआ मेरी तबीयत को? आप इतनी देर तक तो कभी नहीं सोती? कभी कभी देर तक सोना ना सेहत के लिए अच्छा होता है। दादी ज्यादा सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। वो सब छोड़े, बता तूने मुझे जगाया क्यों? दादी मैं पूछने आई थी क्यों कोई नीचे क्यों नहीं आ रहा, सारे नौकर खुद ही डेकोरेशन कर रहे हैं। इतनी सी बात के लिए तू इतनी हैरान हो रही है? अरे सारे नौकर बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं अभी, समझी? तू फंक्शन की टेंशन ना ले, सब कुछ हो जाएगा और तू भी जा, तू मुझे लंच में मिल, ठीक है? नहीं मुझे मुझे दादी से मिल। दीदी भी सो रही है? दादी भी? हाँ दादी। अब तुझे तो पता है प्रज्ञा, उनकी तबीयत अच्छी नहीं रहती, इस उम्र में वो जितना आराम करेंगे उतना अच्छा है। देख तेरी बहन की मेहंदी हो गई है ना, अब संगीत भी हो जाए। अब तो शाम के चक्कर में हमारी सुबह तो मत खराब कर, जा जाके तू भी सो जा। लेकिन दादी अब जा 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 जा। लेकिन दादी एक बार दादी वो क्या कह सबको, एक तो कोई नजर नहीं आता, जो नजर आता है वो ठीक से बात नहीं करता। तुमने शुरू करी? चलो शुरू करते चलो। घर में सब सो रहे तो मैं क्यों जाग रही? मैं भी जाकर सो जाती हूँ, पर अब कोई मुझे उठाने आएगा तो भी मैं नहीं उठूंगी। मेरी बहन का संगीत है और किसी को कुछ पड़ी नहीं है, सब अपने में मस्त। हाय, सब ठीक है? सुबह सुबह हमारे कमरे से म्यूजिक की आवाज आ रही थी सुबह सुबह। तो आएगी ना, आई एम रॉकस्टार सिस्टर। और मैं एक्सरसाइज कर रही थी, एक्सरसाइज, यू नो दादी बोलती है ना सुबह सुबह एक्सरसाइज करने से ग्लो और ज्यादा बढ़ जाता है। इस गाने पे एक्सरसाइज, और तुम्हें ना पसीना आ रहा है ना सांसें फूल रही है। नो, एसी ऑन है ना, एंड यू नो मैंने अभी अभी तो शुरू किया, और जैसे ही शुरू किया आप आ गई तो आपने मुझे डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन कोई बात नहीं, क्या है ना कि अगर आपको भी कुछ एक्सरसाइज अगर वगैरह देखनी है, वैसे तो आप तो कर नहीं सकते, आप तो प्रेग्नेंट हो, लेकिन योगा कर सकते हो। इफ यू वांट टू कम, तुम करो, मुझे और भी काम। ओके एज यू विश, बाय, सी यू। बस कम गई क्या? गई नहीं, भगाया है मैंने। थैंक गॉड कुछ पूछ तो नहीं रही थी। जस्ट फॉरगेट ऑल दैट, तुम दोनों यहाँ डांस सीखने आए हैं राइट? ऑफ कोर्स सीखना। तो तुम दोनों के पास टाइम बहुत ही कम है, सो यू विल हैव टू रियली रियली बी अटेंटिव एंड लर्न फास्ट, इज दैट ओके? तो ठीक है, मैं म्यूजिक ऑन करती हूँ, तुम दोनों तैयार हो जाओ। ओके, कोई और टीचर नहीं मिली थी? अरे आलिया से अच्छा हमें डांस कौन सिखा सकता है? तुम्हें पता है
डांस में तो वो बेस्ट, और सालसा तो वो बहुत ही अच्छा सिखाती है। एक बार अभी के कोरियोग्राफर को भी हरा दिया था इसने। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इसने हमें डांस सिखाया ना तो हमारी परफॉर्मेंस बेस्ट होगी। चलो बेस्ट होगा। हेलो, तुम दोनों का खत्म हो गया तो सेंटर में आ जाओ। हाँ, थैंक यू सो मच। सी, इट्स वेरी इजी, सो लूजन अप। शैल वी स्टार्ट? या। अब उसकी कमर पे हाथ रखो। कमर पूरब, कमर कहाँ होती है ये? कमर तुम कमर पे नहीं रखोगे, तुम लड़की हो, तुम उसके शोल्डर्स पे रखो। सॉरी। अब एक पैर आगे लेकर जाओ और तुम वो पैर पीछे लेकर जाओ। ओके, गाइस जस्ट स्टॉप इट, प्लीज इनफ ऑफ इट। तुम दोनों गलत कर रहे हो। लेट मी शो इट टू यू। बुलबुल, यू वॉच मी, कम ऑन। ऐसे होगा बुलबुल का संगीत? अभी अगर घर से कोई आया तो यहाँ किसी को नहीं देखकर यही सोचेंगे ना कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तभी बुलबुल का फंक्शन ऐसे हो रहा है। प्रज्ञा, घर में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, सब लोग कहीं गए हैं क्या? मैं सबकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ क्या? सॉरी, मुझे पता नहीं सबका, क्योंकि कोई कुछ कर ही नहीं रहा, सब अपने अपने कमरे में। सारी दादियां सो रही हैं, आलिया एक्सरसाइज कर रही है, और ये इनका तो कुछ पता ही नहीं। तुम्हें नहीं पता कि अभी क्या है, तो ये वाकई बहुत अजीब बात है। चलो बाय। आकाश, अभी कहाँ है भाई? मुझे कैसे पता होगा, मैं अभी तो बाहर से आ रहा हूँ। ये रे मिताली, अभी इनसे पूछो प्लीज। हाँ, ओह गॉड जी, घर का पहला फंक्शन है जहाँ मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ। नहीं तो हर फंक्शन में तो नौकरों जैसे काम करने पड़ते हैं। वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए अभी कहाँ है? हाँ, पता है मुझे कहाँ है। मैं तो सिर्फ उसी को बताऊंगी जो उससे मिलने के लिए सबसे ज्यादा उतावला है। हाँ तो मुझे बताओ। इसे ही बताओ, वैसे भी ये ज्यादा डेस्परेट है अभी से मिलने के लिए। अब सच कह रही है? क्या कहा आपने? आप उसी से जाकर पूछ लो। प्रज्ञा रुको। अरे तुम बताओ ना, मिताली ने क्या कहा तुम्हें? अरे रुको, बताओ मुझे। म्यूजिक की आवाज आ रही है क्या? वो म्यूजिक रूम है, म्यूजिक की आवाज आएगी ना। तुम करना क्या चाहती हो? अभी पता चल जाएगा। हाँ, सुनिए मेरी बात तो सुनिए। अरे अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अरे तुम देख रही हो, हेल्प करो। क्या हुआ अभी? तुम डांस क्यों नहीं कर रहे हो? आप यहाँ अभी तुम। चलिए मुझे बात करनी है आपसे। सुना नहीं तुमने? चलो यहाँ से। Come on, अभी let's continue dancing. अभी। सुनिए, सुनिए। अरे आप पहले इधर और आप लोग। Excuse me. Excuse me. कुछ शर्म नहीं आती? आज बुलबुल का संगीत और आप यहाँ? ये क्या क्या क्या? हाँ तुम हटो यहाँ से,
तुम इनके साथ क्या कर रहे थे? और तुम निकलो यहाँ से, चलो आओ। तुम क्या कर रही हो तन्नू? कैट पैट दिखाई नहीं दे रहा, बीच में मत पड़ो। जाओ ऐसे वरना मुंह तोड़ दूंगी। जाओ, नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे बात कर सकती इससे? चुप, साइड में रहो। अरे मेरा मुंह तोड़ोगे, मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी। यहाँ से निकलो। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम क्या कर रहे हो इनके साथ? मैं इनके साथ डांस की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हमें क्या पता तुम डांस प्रैक्टिस कर रहे थे या कुछ और? बुलबुल की शादी के लिए हम डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे, पर तुम लोग मेरे बारे में? रुको,